डियर स्टूडेंट्स, मैं रवि कांत सर, आप सभी का स्वागत है भेज के विद्यासागर संघ के चैनल पर। आज हम लोग क्लास दसवीं के भूगोल पार्ट वन के बहुत बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को करेंगे, जो कि या तो पहले आ चुके हैं या फिर इस बार के बोर्ड एग्जाम में आने की इनकी पूरी पूरी संभावना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, लौह अयस्क है। लौह अयस्क एक अनवीकरणीय संसाधन है जो कि खत्म हो सकता है। दूसरा क्वेश्चन है, कोयला किस प्रकार का संसाधन है। कोयला भी एक अनवीकरणीय संसाधन है, कोयला का भी भंडार सीमित है, इसलिए यह अनवीकरणीय संसाधन है। अगला क्वेश्चन है, द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, कोई नहीं, क्योंकि द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन हुआ था दक्षिण अफ्रीका के फोहान्सवर्ग में, इसलिए आंसर हो जाएगा इसका डी। अगला प्रश्न है, सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है। इसका आंसर हो जाएगा बी, पुनःपूर्ति योग। पुनःपूर्ति योग को ही नवीकरणीय संसाधन बोला जाता है जिसका भंडार सीमित नहीं है, क्योंकि सूर्य का प्रकाश कभी खत्म नहीं हो सकता, उसी को सौर ऊर्जा बोला जाता है। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से किसका कथन है संसाधन होते नहीं बनते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ए, जिमरमैन। जिमरमैन जी बोले थे संसाधन होते नहीं बनते हैं, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्राकृतिक संपदाओं में किसका भंडार सीमित है। तो इसका आंसर हो जाएगा कोयला, इसका आंसर ए, ए और सी दोनों ही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, डाकू की अर्थव्यवस्था का संबंध है किससे, संसाधन के विध्वंस से। सात का आंसर सी। अगला प्रश्न है, तटरेखा में कितने किलोमीटर क्षेत्र सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाते हैं। इसका आंसर हो जाएगा बी, 200 NM। मतलब कि सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र मतलब कि इंडिया का कितना क्षेत्र समुद्र के अंदर जितना तक वो मिनरल निकाल सकता है वो कहलाता है अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र, इसका हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है, समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितनी किलोमीटर क्षेत्र तक राष्ट्रीय संपदा चिन्हित है। इसका आंसर हो जाएगा सी, 12.2 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, अनहट लैंड किस देश की प्रधानमंत्री रह चुकी हैं। इसका आंसर हो जाएगा सी, नॉर्वे की। इनमें से कौन विकास के स्तर के आधार पर संसाधन का वर्ग नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा डी, ज्ञात। अगला प्रश्न है, संसाधन नियोजन के कितने स्तर होते हैं। इसका आंसर हो जाएगा सी, 3। तीन स्तर होते हैं संसाधन नियोजन के। हमारा अगला प्रश्न है, स्वामित्व के आधार पर संसाधन के कितने प्रकार हैं। इसका आंसर हो जाएगा 4, डी, क्योंकि स्वामित्व के आधार पर संसाधन के 4 प्रकार हैं। पंजाब किस प्रकार के संसाधन के मामले में गरीब है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, खनिज, क्योंकि पंजाब के पास खनिज बहुत। हमारा अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 15, इनमें से कौन निजी संसाधन में शामिल नहीं है, यानी कि निजी संसाधन नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा सी, मंदिर, क्योंकि मंदिर निजी संसाधन नहीं है। हमारा अगला प्रश्न है, संसार का सबसे कीमती संसाधन कौन सा है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, खनिज, क्योंकि खनिज जो है संसार का सबसे कीमती संसाधन है। उसके बाद आता है, निम्नांकित में कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है। ये हो जाएगा नगर, सी, 17 का सी। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया। इसका आंसर हो जाएगा डी, ब्राजील में। अगला क्वेश्चन, बांधों में जल किस संसाधन वर्ग का उदाहरण है संचित। जैव और अजैव संसाधन वर्गीकरण का आधार क्या है। इसका आंसर हो जाएगा डी, उत्पत्ति। हमारा अगला प्रश्न है, तृतीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था। तो हमें याद रखना है पहला और तृतीय दोनों पृथ्वी सम्मेलन ब्राजील में ही हुआ था। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन अजैव संसाधन नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा ए, वनस्पति जो है अजैव संसाधन नहीं है। अगला प्रश्न है, दी पॉपुलेशन बम नामक पुस्तक किस वर्ष प्रकाशित हुई थी। इसका आंसर हो जाएगा सी, 1987 में। अगला प्रश्न है, 1992 के पृथ्वी सम्मेलन में लगभग कितने देशों के राष्ट्राध्यक्ष शामिल हुए थे। इसका आंसर हो जाएगा सी, 108। हमारा अगला प्रश्न है, ब्रंट लैंड कमीशन ने किस वर्ष सतत पोषणीय विकास संबंधी रिपोर्ट पेश की थी। इसका आंसर हो जाएगा बी, 1987 में। अगला प्रश्न है,
क्लब ऑफ रोम ने किस वर्ष धन के विवेकपूर्ण उपयोग का प्रस्ताव रखा? इसका आंसर हो जाएगा सी 1968 में। हमारा अगला प्रश्न है, किस प्राकृतिक संसाधन का सीमित है? इसका हो जाएगा खनिज तेल, क्योंकि खनिज तेल जो है उसका भंडार सीमित है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में किस संसाधन की कमी है? तो जल संसाधन, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादातर मरुस्थल है, बालू है, इसलिए वहाँ पे पानी की बहुत कम मात्रा है। अगला प्रश्न है, मलयोर के अस्तित्व को खतरे में कौन डाल सकता है? दूषित जल, क्योंकि दूषित जल जो है वो मलयोर के अस्तित्व को खतरे में डाल सकता है। अगला और हमारा आखिरी प्रश्न है, 1992 में पृथ्वी सम्मेलन किस शहर में हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा बी रियो डी जेनेरो में हुआ था।